ओके सो हाय गाइज बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइज मेरा नाम है करण और आज किस नए वीडियो में गाइज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाइज काइनमास्टर ऐप जो है उसका भी एक नया अपडेट आया है। एंड गाइज अपडेट तो आ चुका है बट गाइज अब ये जो है ये किसी से डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो गाइज मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके जो है मैंने ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए ढूंढ कर लेकर आ गया हूँ मैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो में कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना। बाकी चलिए गाइज आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाइस काइनमास्टर ऐप में जो है अपडेट क्या है। तो गाइस यहाँ पे जो है मतलब कि ज़्यादा इतना कुछ खास अपडेट आया नहीं है, बट मतलब अपडेट जो है मतलब कि अंदर का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। ठीक है, तो मतलब कि इसमें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि कैसा अपडेट है। तो यहाँ पे गाइस देखिए जैसे मैंने काइनमास्टर ऐप को अपडेट मतलब अपडेटेड है ये, और मैंने जैसे इसको ओपन किया तो गाइस देखिए इस टाइप का जो है कुछ इंटरफेस दिख रहा है इसका। आप सभी को इसका पिछले वाला तो पता ही होगा अगर आपने यूज़ किया है तो, बट गाइज ये वाला जो है बिल्कुल ही टोटली एकदम डिफरेंट है पिछले वाले से। और बाकी चीज़ें मैंने जो भी मतलब उसमें एडिटिंग वगैरह की थी उन सारी वीडियोस इसमें आ चुकी हैं वापस ही है ना। तो काइनमास्टर ऐप में मेरे को ये चीज़ सबसे बढ़िया लगती है। बाकी गाइज यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह जो है अब यहाँ पे पहले से सिलेक्ट करने को मिल जाएगा, चाहे आप रील के लिए एडिट कर रहे हो या यूट्यूब वीडियो के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए, आपको सारे साइज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको आपको करना है क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो वाले इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ देखता हूँ अपनी वीडियो वगैरह को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थंबनेल को ही ले लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि एडिटिंग के लिए तो अभी कुछ इतना खास है नहीं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो बाकी मैं एक्सपोर्ट वगैरह करके दिखा देता हूँ, इसमें वाटरमार्क वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने इसको ऐड करा है यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ा के और इसमें एक म्यूज़िक भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मतलब कि वाटरमार्क वगैरह है नहीं है ना। तो जैसे कि मतलब ये आप ये मतलब समझना कि वाटरमार्क जो मैंने इसमें लगा रखा है वो इस पर आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस थंबनेल के लिए यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो बाकी सारी बात छोड़ते हुए गाइस पीछे की तरफ हम अब क्या करते हैं कि अब बताता हूँ मैं आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको एप्लीकेशन को। ठीक है, तो आपको चलिए अब बता देता हूँ आपको पहले आपको करना क्या है। आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पेज पर पहुँच जाओगे। और गाइस जैसे पहुँच जाओगे आपको सिंपली क्लिक टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप क्लिक करोगे आपको सिंपली यहाँ पर 10 सेकंड तक वेट कर लेना है। एंड 10 सेकंड आप जैसे ही वेट कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने जो है एक मतलब कि एक ये बोलेगा यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा एक, जो कि आपको एकदम लास्ट में मिलेगा। तो आपको सिंपली एकदम सबसे लास्ट में चले जाना है। एंड जैसे आप सबसे लास्ट में जाओगे आपको अभी कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे एकदम फिर से आपको सबसे लास्ट में चले जाना है। एंड सबसे लास्ट में जाने के बाद आपको हमें मिलेगा जनरेट लिंक का ऑप्शन, वहाँ पर फिर आपको 10 सेकंड तक वेट करना है। एंड 10 सेकंड के बाद आपको एक लिंक और आएगा यहाँ पर, आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद क्लिक टू स्कैन यूआरएल के ऊपर आपको क्लिक करना है। एंड आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको ये थोड़ा सा वेट करने को कहेगा, वो सिंपली थोड़ा सा वेट कर लेना है। एंड जैसे आप वेट करोगे यहाँ पे थोड़ी देर तो आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल जाएगा जो कि होगा गेट यूआरएल के ऊपर। ठीक है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको दो लिंक मिल जाएंगे, ओपन लिंक सर्वर 1 एंड सेकंड वाला। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। एंड आपके सामने एक छोटी सी ऐड आएगी, आपको सिंपली बैक हो जाना है। एंड देन अगेन उसके ऊपर क्लिक करना है। एंड आप जो है डायरेक्ट गूगल ड्राइव के अंदर पहुँच जाओगे, जहाँ से गाइस आप काइनमास्टर को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो बाकी गाइस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले।